नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता देश टाइम्स। कानपुर नगर के फजलगंज चौराहे पर अवैध रूप से बस स्टैंड चल रहा है, जहां एक और माननीय योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अवैध स्टैंडों को खत्म करने का आदेश दिया था। वहीं प्रशासन योगी जी के आदेशों की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहा है। बता दें कि फजलगंज चौराहे पर प्राइवेट बसें बीच रोड पर बिना रोक टोक खड़ी होती है, जिससे चौराहे पर आए दिन भीषण जाम लगता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। कई बार तो इन बस चालकों की दबंगई भी दिखाई देती है, जिसके चलते राहगीरों को इन बस चालकों की दबंगई का शिकार होना पड़ता है। अवैध रूप से खड़ी कर रहे थे बस, कहां खड़ी होगी बस की बात। अरे यार बहस ना किया करो यार, सवारी भर रहे हो ऊपर से, अवैध अवैध बता रहे हो। लंबे समय से चल रहे इस अवैध बस स्टैंड पर आखिर प्रशासन क्यों नहीं करती कार्रवाई, बड़ा सवाल है। वहीं इस मामले पर फजलगंज चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर तैनात जितेंद्र सिंह ने कानपुर जन संदेश की टीम को बताया कि इनके साथ 15-15 लोगों की टीम है, जिनके द्वारा मुझ पर भी दबाव बनाया जाता है। भाई रोड पे लगा रहे हैं, रोड पे लगा रहे हैं ना, तो आपकी सुन भी नहीं रहते हो। सुन ही ना, देख रहे हो किस रूप से गाड़ी लगा रहे हो। वो पत्रकारों से भी बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे भाई भैया जो है बताओ रोड पे तुम लगाओगे, ऊपर इतना रंदा पड़ा है। आपने उनको कोई चालान या कुछ ऐसे? मैंने कह रखा मैं चालान उसको भेज रहा हूँ, चालान तो मैं करूंगा, मैं थोड़ी छोड़ूंगा। लग रही है तो उन पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? अरे भैया मैं रोड कहता हूँ। अच्छा नहीं, अभी अभी उनका ये कहना है कि आप लोग कैसे आ गए, तो हमने कहा आप लोग आ गए। हाँ आपके भाई ऊपर अटैक करेंगे, फंदा आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे तो भाई कहीं ना कहीं ये लोग पूरे आपराधिक किस्म के इंसान है, जो इस तरीके का स्टैंड लगवा रहे हैं। तो चल रहे तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो आप भी द्वारा इनके चालान आने करे जाए? मैं तो करते ही करूँगा। करते अभी आपने इनका चालान किया? अभी किए नहीं, मैं सेंड कर रहा हूँ। अभी सेंड करता हूँ। किस नंबर पे चालान किया? दिक्कत कर रहे हैं बहुत भैया। देखें क्योंकि वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात, अभी किए नहीं। इस तरह के बस के साथ चलने वाले दबंग लोग पत्रकारों से भी अभद्रता करते हैं। किस तरह से ये लोग अपनी दबंगई के बल पर इस तरह से कोहराम मचा रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कब प्रशासन की नजर पड़ती है और कार्रवाई होती है।